मॉली। हेलो सैंडी, क्या तुम बुढ़ो की बर्थडे पार्टी में नहीं जा रही हो? हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। तो तुम पार्टी के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? क्या तैयार नहीं हुई? मैं तो तैयार हूँ। देखो, मैंने सबसे अच्छी ड्रेस भी पहन ली है। क्या तुम ये ड्रेस पहनकर पार्टी में जा रही हो? क्यों, मेरी ड्रेस सुंदर नहीं है? ये बड़ी मामूली सी है, क्या तुम्हारे पास कोई और ड्रेस नहीं है इससे अच्छी ड्रेस? हाँ, रंग बिरंगी, जैसे कि लाल। और लाल? हाँ, मेरे पास एक लाल ड्रेस है। रुको, मैं अभी बदल कर आती हूँ। मैं तुमसे पार्टी में मिलता हूँ मौली। अच्छा ठीक है। हेलो मौली। हाय गॉबी, तुम पार्टी में आ रहे हो ना? बिल्कुल, वहाँ मुझे खाने को केक मिलेगा। मैं तो जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। पार्टी के लिए तो मैं सुबह से ही तैयार बैठा हूँ। हाँ, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। अच्छा, ये ड्रेस कैसी लग रही है गॉबी? तुम्हारी ड्रेस तो ठीक है, लेकिन मुझे इसका रंग नहीं अच्छा लगा। लाल रंग बहुत ब्राइट है। तुम्हारे पर हल्के रंग ज्यादा अच्छे लगेंगे, जैसे ब्लू या ग्रीन। ब्लू? मेरे पास एक ब्लू ड्रेस भी है, लेकिन सैंडी कह रहा था। जाने दो, तुम्हारी बात मुझे ठीक लग रही है। रुको, मैं ड्रेस बदल कर आती हूँ। ओके मौली, जल्दी मैं पार्टी में तुमसे मिलता हूँ। अगर कहो तो तुम्हारे लिए केक भी बचा कर रखूँगा। नहीं, जरूरत नहीं, मैं आ रही हूँ। हेलो साइशा। हेलो मौली। वाह, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है। थैंक यू साइशा, मैंने इसे बर्थडे पार्टी के लिए पहनी है। तुम क्या कह रही हो, तुमने ये ड्रेस पार्टी के लिए पहनी है? हाँ, तुम कह रही थी ना ये सुंदर है। हाँ, पर ये एक बर्थडे पार्टी है, ये खराब हो गई तो तुम्हें किसी बड़ी पार्टी के लिए बचा कर रखना चाहिए। देखो, मैं भी मामूली कपड़े पहन कर आई हूँ। ये बात है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं इसे अभी बदल लेती हूँ। ठीक है, पर देर मत करना मौली। हे मौली, तुम पार्टी में क्यों नहीं आई आज? पार्टी खत्म हो गई क्या? हे साइशा। हे मौली, आज तो बड़ा मजा आया, हम सब ने तुम्हारा इंतजार किया, फिर केक का बचा हिस्सा गॉबी को दे दिया। मैं भी पार्टी में आना चाहती थी, मैं इसी की तैयारी भी कर रही थी। चुप हो जाओ मौली, प्लीज चुप हो जाओ। चुप हो जाओ मौली, चुप हो जाओ। हाँ, हम सबको बड़ा मजा आया, हम सब ने तुम्हारा इंतजार किया, तुम नहीं आई तो मैं केक खा गया। मुझे लगता है अब सिर्फ वायु ही इसे खुश कर सकता है, तो चलो उसे बुलाए। ओ वायु, यहाँ आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। हेलो मेरे दोस्तों। हे, तुम सब तो आज बड़े सजे धजे लग रहे हो। मौली, तुम्हारा ड्रेस तो बड़ा सुंदर है, पर तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसलिए कि ये बूढ़ो की बर्थडे पार्टी में नहीं पहुँच पाई। मैं पार्टी में जा रही थी, उसके लिए चार बार ड्रेस बदले, इसलिए देर हो गई। चार बार? लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि सबने यही कहा था मुझसे। पहले सैंडी ने कहा कि लाल ड्रेस पहन लो, लाल ड्रेस पहन ली तो गोपी ने कहा कि उसे ड्रेस अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ब्लू ड्रेस पहन ली। फिर साइशा ने कहा कि ड्रेस खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ड्रेस बदलने चली गई, और इन सब चक्कर की वजह से मुझे यहाँ आने में देर हो गई। तो ये बात है, इस वजह से तुम बूढ़ों की पार्टी में नहीं पहुँच पाए। हाँ, वायु, वी आर सॉरी। सुनो, ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। मुझे वो बात याद आ गई जो मेरे दोस्त जोडी के साथ हुई थी। तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ था वायु? मौली, हमें माफ कर दो। हाँ बताओ ना क्या हुआ, हम सब जानना चाहते हैं। हाँ बताओ ना, हम सब जानना चाहते हैं। दोस्तों, ठीक है, मैं तुम्हें
बताता हूँ। मेरे दोस्त जोड़ी के पास एक गधा था और वह अपने बेटे टोनी के साथ एक गांव में रहता था। टोनी, तुम तैयार हो बेटे? हाँ बाबूजी। गधे को खोल दो, हमें जल्दी जाना होगा वरना बाजार के लिए देर हो जाएगी। ठीक है बाबूजी। क्या तुम तीनों ही गधे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई एक भी इसके ऊपर नहीं बैठा है। अगर उसके ऊपर बैठोगे नहीं तो फिर गधा रखने का फायदा क्या है? सही कहा, मैं भी यही बात सोच रहा था। सुनो, तुम इसके ऊपर क्यों नहीं बैठ जाते? देखो तो सही, कितना आलसी लड़का है वो। खुद गधे पर बैठा है और अपने बाबूजी को धूप में पैदल चलने को कह रहा है। हाँ, अंदर की बात कौन जाने, हो सकता है इन दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो। इन्हें क्या पता कि मेरा मेरे बेटे के साथ क्या रिश्ता है। बाबूजी, क्या वो हमें करना जरूरी है जो दूसरे हमसे करने को कहते हैं, बताइए ना। बात समझो टोनी, हमें उनका मान रखना चाहिए। अरे उस आदमी को देखो ना, खुद आराम से बैठा है और अपने मासूम बेटे को धूप में पैदल चला रहा है। क्या जमाना है। ओह बेचारा बच्चा, देखो कितना थक गया है। लेकिन उस आदमी को दया भी नहीं आती, बेचारा बच्चा। लगता है तुम थक गए बेटे, तुम भी मेरे साथ गधे पर क्यों नहीं बैठ जाते? क्या आप हमें रोक क्यों रहे हैं? तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था, सही अंदाजा था, जरा भी शर्म नहीं है। शर्म? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुम दोनों के बोझ से इस बेचारी की क्या हालत होती होगी? अरे नहीं, ऊपर वाला भी कैसे कैसे इंसान बनाता है। बेचारे गधे की हालत देखो, मैं कब से लोगों को समझा रहा हूँ कि जानवर भी जीव होते हैं। ये बाबा मेरे बारे में क्या जानते हैं? मैंने गधे और टोनी दोनों को हमेशा अपने बेटे की तरह ही समझा है। किसी को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि गधा भी एक जीव है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये थक गया है, ये भी पता है कि अब क्या करना है। सुनो, जरा इस खूंटे से गधे को बांधने में मेरी मदद करो। आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? और क्या कर सकता हूँ, इस गधे को अपने सिर पर तो नहीं ले जा सकते ना। उस बूढ़े ने सही कहा था, गधा भी तो एक जीव होता है। भगवान, ये क्या किया मैंने, मेरा गधा।
मेरा बच्चा। क्या तुम तीनों ही गधे हो? मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई भी इसके ऊपर नहीं बैठा है। अगर उसके ऊपर बैठना ही नहीं था तो फिर गधा रखने का फायदा क्या है? ये कहानी सुनने के बाद मुझे भी बहुत हंसी आई थी। तो तुम सबको ये कहानी पसंद आई ना दोस्तों? हाँ भाई, हमें बहुत पसंद आई। वायु, अगर जोड़ी दूसरों की बात नहीं सुनता तो बेचारा गधा उस दिन नदी में नहीं गिरता। देखो, वो एक अच्छा आदमी था, पर उसने सबको खुश करने की कोशिश की थी, पर वो किसी को खुश नहीं कर पाया। मतलब ये कि अगर हम सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो किसी को नहीं कर पाएंगे। ओह, मैं समझ गई। मैंने भी सबको खुश करने की कोशिश की, इसलिए पार्टी में नहीं जा पाई और केक भी नहीं खा पाई। हम सबको कहानी बहुत पसंद आई। थैंक यू वायु, हम सबको बड़ा मजा आया और ये कहानी बहुत ही अच्छी थी और मैंने बहुत कुछ सीखा भी। थैंक यू वायु। मैं तुम्हें बहुत सी कहानियाँ सुनाऊंगा। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। अब जल्दी फिर मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों। Bye.